नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। लॉकडाउन के बाद लगभग आधी साल हो जाने के बाद लॉकडाउन की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने की। आए हुए सभी फरियादियों तथा अधिकारियों को सोशल डिस्टेंस रखने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही बिना सैनिटाइजर किए हुए किसी भी फरियादी को अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके लिए प्रशासन ने समुचित व्यवस्था की। नगर के LY डिग्री कॉलेज में लगे संपूर्ण समाधान दिवस को देखकर फरियादियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। संपूर्ण समाधान दिवस में आज मेरापुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत गठवाया के गांव मगटई के दबंग एवं भू माफिया प्रधान दिनेश चंद प्रजापति की शिकायत भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा की गई, जिसमें कहा गया कि दबंग एवं भू माफिया समर्थक प्रधान दिनेश चंद प्रजापति गाँव के ही भू माफिया नानिकराम होतेलाल दुर्विजय सुमेर रामबाबू रणधीर अहिबरन जयसन आदि के सहयोग से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता राम सनेही पुत्र परमेश्वर दयाल की गाटा संख्या 28 में जबरदस्ती आम रास्ता निकाल रहे हैं, जबकि राजस्व द्वारा की गई जांच में पीड़ित के मारूसी नंबर से कोई भी नाला एवं आम रास्ता अभिलेखों में दर्ज नहीं है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी सहित हर सक्षम अधिकारी से की गई, लेकिन दबंग प्रधान के प्रभाववश में कोई भी कार्यवाही अमल नहीं हो पाई, जिससे प्रधान सहित भूमाफियाओं के हौसले सातवें आसमान पर हैं। और तो और, अब प्रधान तथा भूमाफिया लोग पीड़ित तथा उसके पुत्रों को जान से मारने की धमकी भी देने लगे हैं। पीड़ित ने बताया कि प्रधान अब खुलेआम धमकी दे रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे जहां भी शिकायत करो। इसी के साथ ही भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी शंकर जोशी ने कहा कि उनकी तहसील कायमगंज क्षेत्र के मौजा मदनपुर बड़ा गांव में लगभग 75 बीघा जमीन है, जिसमें से 10 बीघा जमीन उन्होंने गौ सेवा के लिए टिकैत पंचायती राज को दान में दे दी है। जब वहां वह निर्माण कार्य के लिए पहुंचे तो वहां के लोग नाजायज कब्जा किए हुए हैं तथा पीड़ित को धमका के वहां से भगा दिया। पदाधिकारी ने जिलाधिकारी से भूमाफियाओं के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। समस्या का समाधान न होने पर संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन करने की बात कही है। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के अलावा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्रा, CMO डॉक्टर वंदना सिंह, क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह गौर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित समस्त जिला एवं तहसील स्तर के कर्मचारी उपस्थित रहे।